वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस यूनिट विच इज कैलीज थ्योरम। तो कैलीज थ्योरम पढ़ने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने होंगे, जिसमें परम्यूटेशन ये एक टॉपिक है। तो देखिए, परम्यूटेशन बेसिकली इट इज अ फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू। तो जब वन वन और ऑन टू है, तो यदि ऑन इटसेल्फ, वन वन एंड ऑन टू ऑन इटसेल्फ, अ मैपिंग विच इज वन वन एंड ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। तो जरा परम्यूटेशन को लेकर कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लो हमने सेट में थ्री एलिमेंट्स लिए, वन टू थ्री, तो डोमेन भी सेट ऑफ वन टू थ्री है, कोडोमेन भी सेट ऑफ वन टू थ्री है। वन वन होने की वजह से डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस है। इसका मतलब डोमेन के तीनों एलिमेंट्स के लिए इमेजेस तो होंगे ही, अब क्योंकि डोमेन में तीन एलिमेंट है और वन वन बोल रहे हैं हम, तो ये तीनों एलिमेंट के इमेजेस डिफरेंट होंगे, यानी तीन इमेजेस हमको कोडोमेन में भी दिखेंगे। अब कोडोमेन भी हमने वही सेट लिया है जो डोमेन में है, इसका मतलब उसमें भी तीन एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट इमेजेस है, मतलब फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो इस तरह की जो मैपिंग्स है, ये मैपिंग्स कहलाती है परम्यूटेशन। और डिफरेंट वर्ड्स में कहा है, अ मैपिंग फाइ फ्रॉम एस टू एस विच इज वन वन एंड ऑन टू फॉर अ फाइनाइट सेट एस इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑन एस। अब यदि एस में थ्री एलिमेंट्स है, तो ऐसे कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में जब ये टॉपिक था तब पढ़ा था। तो जितने एलिमेंट्स होंगे सेट में, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग विल बी नंबर का फैक्टोरियल। थ्री एलिमेंट्स है तो थ्री का फैक्टोरियल दैट इज सिक्स पॉसिबल वन वन ऑन टू मैपिंग्स हो सकते हैं। मतलब यहाँ इस केस में सिक्स परम्यूटेशन हो सकते हैं। उनको लिखकर बता रहे हैं, If S is collection of 1, 2, 3 और permutations are generally denoted by F, G, H, theta 1, theta 2, phi, psi, etc. तो हम theta notation use कर रहे हैं। Theta 1 is equal to, ये जो first row है उसमें domain के elements है और second row में इनके images, तो 1 का image 1, 2 का image 2, 3 का image 3। दूसरा permutation लिखने के लिए ये वन का इमेज वन तो रहने दिया है एज इट इज, और ये जो टू और थ्री है, ये टू और थ्री को इंटरचेंज कर दिया, थ्री और टू कर दिया, तो ये सेकेंड परम्यूटेशन तैयार हो गया। मतलब वन का इमेज वन, टू का इमेज थ्री और थ्री का इमेज टू। अब वन के इमेज वन के साथ में ये दो पॉसिबिलिटी है, अब इनको साइक्लिक रोटेशन में घुमाना शुरू करते हैं, ये जो सेकेंड रो है उसको। तो वन का इमेज टू लेने के बाद, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद वन, साइक्लिक रोटेशन घुमाए तो 2 का इमेज 3 ले लिया, 3 का इमेज 1 ले लिया, ये एक नया परम्यूटेशन तैयार हो जाता है। फिर 1 का इमेज 2 इसको फिक्स रखते हुए ये 3 और 1 सेकंड रो के इनको इंटरचेंज कर दिए, 3 और 1, ये एक और नया परम्यूटेशन मिल गया। मतलब अब हमको यहाँ पर 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 3 दिखता है। इसी तरह से अभी 1 का इमेज 1 होके दो परम्यूटेशन मिल गए, 1 का इमेज 2 लेने पर दो परम्यूटेशन मिल गए, 1 का इमेज 3, वन का इमेज थ्री ले और थ्री के बाद में साइक्लिक रोटेशन से वन और टू ले ले, मतलब टू का इमेज वन, थ्री का इमेज टू, तो इससे एक और परम्यूटेशन मिल सकता है। वन का इमेज थ्री को फिक्स रखते हुए वन और टू की पोजीशन चेंज कर दे, वन और टू की पोजीशन चेंज कर दे, तो दिस इज अनदर परम्यूटेशन। इस तरह से सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स के लिए सिक्स पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे। अब ये जो परम्यूटेशन है, इनका कलेक्शन प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस के लिए ग्रुप का काम करता है और वो कहलाता है सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप इफ एस इज फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एस। अब जब एन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे वो हो गए n फैक्टोरियल, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस भी रिवाइज कर लेते हैं यहां पर, कैसे पर मल्टीप्लीकेशन होता है।
जैसे अब यदि मान लो ये दो परम्यूटेशन हम देख रहे हैं, थीटा वन, थीटा थ्री और थीटा फोर, तो वन टू थ्री, वन का इमेज टू है, तो ये टू को यहाँ देखते हैं और टू का इमेज कौन सा, वन, तो हम फिर रिलेट करते हैं दिस वन रिलेट्स विथ वन, फिर टू का इमेज थ्री है, ये थ्री को यहां देखते हैं, थ्री का इमेज थ्री है, मतलब दिस टू, पहले तो थ्री से मैप हो रहा है और थ्री फिर थ्री से मैच हो रहा है, तो टू मैप्स टू थ्री, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन की बात हो रही है। फिर ये थ्री का इमेज वन है, ये वन का इमेज टू है, इसका मतलब थ्री पहले वन से मैप हो रहा है, फिर वन टू से मैप हो रहा है, तो थ्री मैप्स टू टू, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस ये डिफाइन किया हुआ था। तो ये रिलेशन के लिए कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस इज अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक ग्रुप, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल AS ब्रैकेट में AS AS और S सफिक्स N हैविंग ऑर्डर n फैक्टोरियल, मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल इफ S इज सेट ऑफ 1 2 3 देन AS कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स थे, तो S सफिक्स 3 इज अ सिमेट्रिक ग्रुप और इसका ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 3 फैक्टोरियल। नाउ ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस इस सिमेट्रिक ग्रुप, लेकिन ऐसा भी होता है कि एनी ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स आर परम्यूटेशंस, एनी ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स आर परम्यूटेशन इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ग्रुप और ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। ठीक, इसका मतलब सिमेट्रिक ग्रुप को परम्यूटेशन हम परम्यूटेशन ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स परम्यूटेशंस हैं, तो सिमेट्रिक ग्रुप इज अ परम्यूटेशन ग्रुप। लेकिन परम्यूटेशन ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप कह पाएंगे क्या? तो परम्यूटेशन ग्रुप में सारे परम्यूटेशन हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ S इज सेट ऑफ 1 2 3 देन G कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वन सिंगल एलिमेंट लिखा है, मतलब बाकी के एलिमेंट सब उसी से मैच हो रहे हैं, वन मैप्स टू वन, टू मैप्स टू टू, थ्री मैप्स टू थ्री एक्सेट्रा। फिर वन टू थ्री ये साइक्लिक नोटेशन में है, परम्यूटेशन लिखा, यानी वन का इमेज टू है, टू का इमेज थ्री है, थ्री का इमेज वन है, और फिर वन थ्री टू, वन का इमेज थ्री, थ्री का इमेज टू, टू का इमेज वन। तो ये वेरीफाई किया जा सकता है कि इट सेटिस्फाई ऑल द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, देयरफॉर दिस इज अ परम्यूटेशन ग्रुप बिकॉज इट कंटेन परम्यूटेशंस, साइक्लिक नोटेशन में है। रिमार्क्स, एवरी परम्यूटेशन, एवरी सिमेट्रिक ग्रुप इज अ परम्यूटेशन ग्रुप एंड एनी सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज अ परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, जब पूरा का पूरा सिमेट्रिक ग्रुप ही परम्यूटेशन ग्रुप है, तो सिमेट्रिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लेंगे तो उसमें भी परम्यूटेशन ही है, तो वो परम्यूटेशन ग्रुप कहलाएगा। तो ये सब बातें थी परम्यूटेशन से रिलेटेड, कुछ चीजों को रिकॉल किया। नाउ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कैलीज थ्योरम। स्टेटमेंट, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक मतलब आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप, मतलब जो भी सब ग्रुप होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए उसको S कहे यदि और ग्रुप को G कहे, तो G और S के बीच में आइसोमॉर्फिक रिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में कोई एक मैपिंग होनी चाहिए जो आइसोमॉर्फिज्म हो, और साथ साथ में आइसोमॉर्फिज्म के साथ हो जाएगा ऑफ AS, एवरी सब ग्रुप, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ AS फॉर सम एप्रोप्रिएट S, वेयर AS इज द सेट ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग्स ऑफ S ऑन टू इटसेल्फ। हम ऐसा कह सकते हैं AS इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन S। अब ये AS का कोई सब ग्रुप से एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक,
ऐसा हमको प्रूव करना है। अच्छा, अब ये ए एस जो तैयार किया हो ये भी फॉर सम अप्रोप्रिएट एस, तो देयर एग्जिस्ट सम अप्रोप्रिएट एस फॉर विच ए एस का कोई सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के साथ में आइसोमॉर्फिक हो। अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई एक ऐसा एस हमको फाइंड आउट करना है जिसके लिए कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन दैट एस ये ग्रुप होगा, इसका सब ग्रुप ले यदि, यानी कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशंस इन सम सेट एस इज आइसोमॉर्फिक टू एवरी ग्रुप, ऐसा कुछ रिजल्ट हमको प्रूव करना है। अब इसके लिए काफी कुछ चीजें डेवलप करते जानी होगी प्रूफ में, देखिएगा। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए इज एलिमेंट ऑफ जी, ये जी ग्रुप हो गया एक, ये दिख रहा है जी इज ग्रुप, एक जी डैश लिया है, कहां पर है ये ए ऑफ जी में, मतलब जी के लिए ए जी कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन जी, इसका सेट है कैपिटल ए जी, ये कैपिटल ए जी का सबसेट है जी डैश, और एक मैपिंग ली है जी से जी डैश जिसको डिनोट किया है साइज से, एंड दिस मैपिंग इज 1-1 एंड ऑन टू, कोई परम्यूटेशन है, वी डिफाइन अ मैपिंग टी सफिक्स ए, ये एक फिक्स्ड एलिमेंट के लिए फ्रॉम जी टू जी बाय टी ए ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए एक्स, मतलब जितने एलिमेंट्स जी में होंगे उन सभी के लिए हम मैपिंग तैयार कर सकते हैं। सपोज बी एलिमेंट यदि जी का लिया हमने तो टी बी इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय टी बी व्हेन ऑपरेट्स ऑन एक्स गिव्स रिजल्ट बी एक्स एंड सो ऑन, इसको नंबर दे दिया 1। नाउ वी शो दैट टी ए इज अ परम्यूटेशन, इस तरह की मैपिंग जो डिफाइन की है इसको परम्यूटेशन बताने के लिए 1-1 और ऑन टू शो करना होगा, तो सबसे पहले टू शो टी ए इज 1-1, तो दो इक्वल इमेजेस ले रहे टी ए एक्स इक्वल टू टी ए वाई फॉर सम एक्स एंड वाई इन जी, टी ए एक्स इज ए एक्स टी ए वाई इज ए वाई बाय डेफिनेशन 1, और ये सब कुछ ग्रुप में हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो गया, मिल गया एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने दो इक्वल इमेजेस ली थी टी ए एक्स इक्वल टू टी ए वाई, उसने प्रोवाइड किया x इक्वल टू y, इम्प्लाइड टी ए इज 1-1 मैपिंग। अब शो करते टी ए इज ऑन टू, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेते, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ग्रुप, और इस एलिमेंट के लिए डोमेन में हम एक एलिमेंट सर्च करेंगे जिसका इमेज y हो। अब कई बार ये यहां जैसे डायरेक्ट लिखा होता ना x इज इक्वल टू a इनवर्स y, जरूरी नहीं है हमेशा आप इसको एलिमेंट याद रखें, कई बार ये प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताया जा सकता है। देखो यहाँ पर कोशिश करते हैं, हमने एक वाई एलिमेंट सपोज किया, नाउ वी फाइंड एक्स इन डोमेन सच दैट टी ए एक्स इज इक्वल टू वाई, हमको ऐसा एक्स फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज टी ए एक्स, इट इज ए एक्स इज इक्वल टू वाई, हमको तो एक्स चाहिए मतलब ए हटाना है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो जैसी पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से ई बनेगा, ई के साथ एक्स एक्स रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स वाई। तो जरूरी नहीं है आप हमेशा इसको याद रखें, आप इस तरह के कैलकुलेशन से भी एक्स बता सकते हैं कि वो मिल रहा है। अब ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, वाई जी में है तो दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से प्रोडक्ट जी में होगा, तो यहां पर मिल जाता है There exists x which is equal to a inverse y in domain group G such that t a x is equal to a x. What is x? A inverse y
बाहर ए है, ब्रैकेट किया ए ए इनवर्स वाई, ए ए इनवर्स विल बी ई, ई वाई इज इक्वल टू वाई। तो ये वाई हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ है कोडोमेन का, वो इमेज बन गया, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बिकम इमेजेस एंड हेंस मैपिंग इज ऑन टू। ये आगे सारी बात यहाँ पर, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज, देयरफॉर मैपिंग टी ए इज ऑन टू, दस टी ए इज वन वन एंड ऑन टू, देयरफॉर टी ए इज परम्यूटेशन ऑन जी। अब ये तो हमने कोई एक एलिमेंट के लिए टी ए लिया था, ऐसे जितने एलिमेंट्स होंगे जी में उन सबके लिए हमको परम्यूटेशन मिल सकते हैं, तो उसको हम डिनोट कर दे रहे जी डैश, जी डैश, लेट जी डैश बी द कलेक्शन ऑफ टी ए एंड कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशन फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। फिर से रीड कर रहे जी डैश इज द कलेक्शन ऑफ टी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर कहा कि टी ए इज परम्यूटेशन, मतलब बोलते समय क्या बोलेंगे, जी डैश इज अ परम्यूटेशन ग्रुप, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट परम्यूटेशन हैं। और जी डैश इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए जी। व्हाट इज ए जी? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ जी। ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ जी में होमोमॉर्फिज्म वन वन ऑन टू सब चीजें होती है। फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट जी वेयर ए जी इज सिमेट्रिक ग्रुप, साथ साथ में अब क्योंकि बड़ी चीज थी ना, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स यानी वन वन ऑन टू था ही, तो परम्यूटेशन कहला सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो दिस ए जी इज अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑल्सो। अभी तक के हम उसको कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स कह रहे थे, व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म वन वन एंड ऑन टू, तो होमोमॉर्फिज्म की चीज एक्स्ट्रा की है, वन वन ऑन टू तो है ही ना, तो इसलिए सारे एलिमेंट्स परम्यूटेशन हो गए, तो दिस ए जी इज सिमेट्रिक ग्रुप। फिर से रीड कर रहे जी डैश इज परम्यूटेशन ग्रुप एंड जी डैश इज नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं सारे के सारे परम्यूटेशन आगे होंगे, तो जी डैश इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए जी फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट जी। ए जी किससे तैयार किया है? जी से तैयार किया है, तो ये जो परम्यूटेशन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप है ए जी, इसका सबसेट इस जी डैश। अब जी डैश में दो एलिमेंट लेते हैं, टी ए टी बी बिलोंग्स टू जी डैश, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो दोनों का प्रोडक्ट यदि ऑपरेट करे एक्स पर, तो बेसिकली दीज आर फंक्शंस, कंपोजिट कंपोजिशन की बात हो जाएंगी, टी ए टी बी एक्स बाय कंपोजिट कंपोजिशन, टी बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। अब टी ए ऑपरेटिंग ऑन बी एक्स विल बी ए बी एक्स, अभी तीनों एलिमेंट्स जी के हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के ए बी एक ब्रैकेट में आ गया एक्स, ए और बी जी के एलिमेंट्स है, तो प्रोडक्ट ए बी जी का एलिमेंट होगा, तो दिस ए बी एक्स कैन बी ट्रीटेड एज इमेज ऑफ एक्स अंडर द मैपिंग टी ए बी, तो दिस इज नथिंग बट टी ए बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स। हम टी ए टी बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स सॉल्व कर रहे थे, पहुंचे टी ए बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स, कोई एक एक्स लेकर, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, टी ए टी बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू टी ए बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, तो सभी इमेजेस इक्वल है, तो ये जो मैपिंग्स होंगी टी ए टी बी और टी ए बी ये इक्वल होगी, तो टी ए टी बी इक्वल टू टी ए बी। अब इस तरह के मैपिंग कहाँ लिए हमने? जी डैश में, तो दिस बिलोंग्स टू जी डैश, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर जी डैश, जी डैश इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, जी डैश इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, देखो जी डैश इज सब ग्रुप ऑफ ए जी। वन वन और ऑन टू है, इसका मतलब इनवर्सेज एग्जिस्ट हो जाएंगे, मैपिंग है वन वन ऑन टू है, तो इनवर्सेज एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो जी डैश बिकम अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। नंबर देते गए, देखो नंबर वन में डेफिनेशन थी टी ए एक्स की, नंबरिंग ध्यान रखिएगा, नंबर टू में जी डैश की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन, नंबर थ्री ये है प्रोडक्ट ऑफ टी ए टी बी इज इक्वल टू टी ए बी, नंबर फोर जी डैश इज सब ग्रुप ऑफ ए जी।
फर्दर वी शो दैट जी इज, हमने ग्रुप जी से लेकर स्टार्ट किया था रिजल्ट को, तो वी शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जी इज आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म नहीं आइसोमॉर्फिक। देखो आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिक में फर्क क्या है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग का नाम होता है और आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं, डोमेन और कोडोमेन में जो ग्रुप्स होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म और वन वन बताने से आइसोमॉर्फिज्म बन जाता और आइसोमॉर्फिज्म को ऑनटू शो करने से आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कहलाते हैं दोनों आपस में। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी, यहां पर आइसोमॉर्फिक चाहिए, पी एच आइसोमॉर्फिक, ठीक आइसोमॉर्फिक, ये नहीं चाहिए आइसोमॉर्फिक। अब जी तो ग्रुप लेकर चले थे और जी डैश क्या बताया हमने, जी डैश इज सब ग्रुप ऑफ ए जी, ए जी किससे बना, जी से बना, तो जी ग्रुप लिया तो जी से ए जी बना विच इज सिमेट्रिक ग्रुप, और उस सिमेट्रिक ग्रुप का एक सब ग्रुप अभी हमने इसके ऊपर प्रूव किया जी डैश इज सब ग्रुप। तो दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करना होगा, वो मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए होमोमॉर्फिज्म और वन वन बताना होगा और साथ साथ में ऑन टू यदि हो जाए तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो काम करते इतना, फॉर दिस वी डिफाइन अ मैपिंग, वी डिफाइन अ मैपिंग साय फ्रॉम जी टू ए जी। देखो हमको काम तो करना था जी और जी डैश में, हम थोड़े बड़े सेट के लिए मैपिंग ले रहे हैं जी से ए जी में, नोट दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। और कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अब एक बात समझ लेते हैं, डोमेन में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एक्सेट्रा, ए जी में सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स है यानी होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू, तो उसमें यानी मैपिंग्स है तो मैपिंग्स के नोटेशन टी ए टी बी टी सी एक्सेट्रा, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू टी ए, इस तरह का हमने मैपिंग डिफाइन किया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब phi e will be t suffix e, this is psi, psi of g is equal to t suffix g etc, इसको नंबर दे दिया 5। we show that this psi is homomorphism and onto, homomorphism बताने के लिए पहले psi को isomorphism and onto बताने के लिए पहले homomorphism बताते हैं। तो दो एलिमेंट ले लो डोमेन में, दोनों का प्रोडक्ट जी में आ गया, साय ऑफ ए इज इक्वल टू टी ए, साय ऑफ बी इज इक्वल टू टी बी, ये स्टार्टिंग के प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम बन गया अभी, साय ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी ए बी, फिर ये प्रोडक्ट वाले को कंटिन्यू करते हैं, साय ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी ए बी, रिलेशन दिया हुआ था 3 में टी ए बी इज टी ए टी बी, दिस इज इक्वल टू साय ए साय बी, तो हम चले थे साय ऑफ ए बी से और पहुंचे साय ए साय बी में, कोई दो एलिमेंट के लिए देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इम्प्लाय साइज होमोमॉर्फिज्म, साइज होमोमॉर्फिज्म। टू शो साई इज वन वन, टू शो साइज वन वन, तो दो इक्वल इमेजेस ले लो, लेट साई ए इक्वल टू साई बी फॉर सम ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, साई इज टी ए साई बी इज टी बी, अब हमको एलिमेंट्स इक्वल बताना है, मतलब ये ए इक्वल टू बी बताना है, तो टी ए टी बी को किसी एलिमेंट पर ऑपरेट कराना होगा मैपिंग से, वो तो टी ए ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू टी बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, टी ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, टी बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ से एक्स गया ए इक्वल टू बी मिल गया, दस साई ए इक्वल टू साई बी इम्प्लाय ए इक्वल टू बी, मीन्स मैपिंग साई इज वन वन, दस साई फ्रॉम जी टू ए जी is homomorphism, psi from G to A G is homomorphism and 1 1 imply psi is isomorphism and psi, अब देखो psi
फ्रॉम जी टू ए जी इज आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका कोई सबसेट यदि हो, जी डैश इसका सबसेट है, तो साई फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म। नोट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दिस इंप्लाय साई फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू। क्यों ऐसा? जी डैश इज सबसेट ऑफ ए जी, ऑल राइट, ये तो है। एंड फाइ ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, इमेज ऑफ कंप्लीट जी इज इक्वल टू जी डैश। मतलब जी डैश में जो भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इमेजेस है, तभी हम कह रहे हैं कि जी जी डैश पर ओवरलैप हो रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट साई ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, ये तभी पॉसिबल है जब जी डैश के सारे एलिमेंट्स इमेजेस हो, तो जी ओवरलैप्स टू जी डैश। तो साई फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू होने की वजह से वी कैन से दैट, और ऊपर आइसोमॉर्फिज्म बताया हुआ है, तो वी कैन से दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। वर्ड्स में मेंशन किया जी इज आइसोमॉर्फिक टू, व्हाट इज जी डैश? अ सबग्रुप ऑफ ए एस। वॉट इज ए एस? तो फॉर एस इज इक्वल टू जी। ये लैंग्वेज में था कैली थ्योरम, अब इसको वर्ड्स में मेंशन कर देते। जी हमने कोई एक अपने तरफ से ग्रुप लिया हुआ था, हेंस एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एस फॉर सम सुटेबल एस। हमारी केस में ये एस क्या था? जी, ग्रुप जी के लिए हमने कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स ए जी लिया, विच इज नथिंग बट सिमेट्रिक ग्रुप, और उसका एक सब ग्रुप जी डैश कलेक्शन ऑफ टी ए, वेयर टी ए इज परम्यूटेशन, बताया, जिससे जी आइसोमॉर्फिक हो रहा है। एंड दिस फॉलोज कैलीज थ्योरम। इस तरह से कैलीज थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया, और ये थ्योरम के साथ में ये यूनिट, ये चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाता है। रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, जय गणित।